ध्यान से समझेंगे, एक वर्ग दिया गया है, उस वर्ग का नाम ए बी सी डी है, जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। इसमें दो अर्धवृत्त बने हुए हैं, ए पी, ए पी डी, ए पी डी, है ना, ए पी डी, ए पी डी, बी पी सी, बी पी सी, है ना, दोनों जिस बिंदु पे मिलते हैं ना उस बिंदु को नाम दे दिया पी, है ना। दो अर्धवृत्त हैं, जैसे आधा ये, आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो, जैसे आधा आधे को मिलाएंगे तो कितनी, आधी रोटी और आधी रोटी कितनी होती, तो आधी, जैसे आधी रोटी है फिर आधी रोटी है तो पूरी हुई कि नहीं हुई, है ना, तो पूरा व्रत बन जाएगा अपन, इसको दोनों को मिला लेंगे तो पूरा व्रत हो जाएगा। चलो, तो ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां लिखेंगे छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से व्रत के क्षेत्रफल को घटा दो, है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्र, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का भुजा गुणित भुजा, क्या है, भुजा गुणित भुजा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, आधा और आधा पूरा वृत्त हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसकी भुजा कितने की, वृत्त की, 14 × 14, पाई का मान कितना, 22/7। अब हम बात करेंगे त्रिज्या की, तो देखो ये यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना, 14, और ये आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो ये यहां से यहां तक ये कितना है, 7, है ना, 7, तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक क्या, क्योंकि अगर इसको पूरा करें, मान लो इसको अपन यूं पूरा करें तो ये त्रिज्या है कि नहीं है, जैसे इसको अपन पूरा करें तो त्रिज्या है ना, ये है ना, ये त्रिज्या हो जाती है इसकी, तो भैया ये त्रिज्या है, 7 आपकी त्रिज्या है, तो ये 7 × 2 एरिया, फिर एरिया 14 × 14 को गुणा करेंगे तो 196, 22/7, फिर 7 × 7, 1 × 7 से 1 × 7 खत्म, एरिया है ना, ये एरिया बराबर 196, और 7 × 14 = 15, तो 154, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल 2442 वर्ग सेंटीमीटर, 42 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ गया, आ गया ना। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, वो सरल होते हैं क्षेत्र वाले सवाल, कुछ भी नहीं करना, वर्ग के क्षेत्र में से पूरे संपूर्ण के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त ये और आधा ही है, तो आधा और आधा पूरा हो गया, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपका